अचानक लूट तो साहब कर ये कुख्यात लुटेरों के गैंग को बस्ट करने में शामली पुलिस को सफलता मिली है। इसमें हमारी झिंझाना के प्रभारी ने इसमें सफलता पाई है, उनकी टीम ने। इसमें हमने एक 25 फरवरी को हमारे ज़िले में एक लूट हुई थी टपराना के पास, जिसमें कहानी ये निकल के आई थी कि तीन लोग बैठे थे पुलिया पर, गन्ना चूस रहे थे और एक व्यक्ति 56,000 रुपये और अपनी बाइक के साथ शाम को 9 बजे जा रहा था, उसको गन्ने का डंडा मार के उसे लूट कर ली गई थी। इस मुकदमे को थाना झिंझाना पे पंजीकृत किया गया था और इसको वर्कआउट करने के लिए टीमें लगाई गई थी। इसमें हमें सफलता मिली और हमने एक तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से वही बाइक हमने बरामद कर ली है और साथ ही साथ 56,000 में से 26,000 नकद रुपए जो लूटे गए थे वो बरामद कर लिया है। साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस और आई कार्ड भी बरामद करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें मैंने अपनी टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम देने की घोषणा की है। इस ये गैंग के बारे में बताना चाहूँगा, बिल्कुल नया गैंग है और ये स्मैक के नशे के आदि थे। स्मैक खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, घर वालों ने पैसे देने से मना किया, इन्होंने अचानक से ये वारदात करने का फैसला किया और बाइक को लूट कर करने का अंजाम दिया इन्होंने। सर, ये लोगों का गैंग है? ये तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीन लोगों में आसिफ जो गैंग का सरगना है, इसने इस बाइक को एक इरफान नामक व्यक्ति को बेची, तकरीबन 14,000 में सौदा हुआ, 4,000 रुपये दिए गए। ये बाइक इरफान जब ख़रीद लिया उसके बाद इस इरफान ने अपने जीजा को, जिसका नाम दिलशाद है, उसको ये बाइक गिफ्ट के तौर पे दे दी। दिलशाद ही इसको चला रहा था। जब हम लोगों ने इस पे रेड डाली तो ये बाइक इरफान के कब्जे से बरामद हुई है। फिलहाल इरफान और तीन शातिर लुटेरों को, चार लोगों को हम लोगों ने फिलहाल इसमें अपने रडार पे रखा था। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें पिंटू और दिलशाद अभी भी फरार हैं, इनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो टोटल 5 लोगों का गैंग निकल के सामने आ रहा है। सर, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं? अभी जो बेसिक इनसे पूछताछ हुई वो सारे के सारे 12वीं से नीचे, यानी कि एक ही उसमें है जो हाई स्कूल पास है और बाकी सारे कम पढ़े लिखे हैं और खेती बाड़ी करने में सहयोग करते हैं घर वालों का। बाकी नशे के सभी लोग नशे के आदि बताए जा रहे हैं और नशे के ही लत में इन्होंने अपराध किया है।